day. 91.1 FM. लखनऊ के नंबर वन एफएम बोले तो रेडियो सरी 91.1 पर मैं हूँ आरजे शिव और आज सिटी के सितारे में बैठे ऐसे सर्दी हमारे साथ मतलब जलवे लेखक डायरेक्टर और क्या क्या नहीं किया इन्होंने क्या बोला मुझे खुद समझ नहीं आ रहा सर से पूछ लेते हैं प्रफुल्ल जी हमारे साथ हैं सर लेखक और डायरेक्टर के तौर पर आपने इतनी सारी चीजें की हैं क्या रोल आप खुद का पसंद करते हैं और कैसे शुरुआत हुई इस तरह से आना हुआ जीवन एक छोटे से शेर से इसकी शुरुआत करूंगा मेरे लिखा हुआ शेर है अब तलक सोचता हूँ कि बतलाऊं क्या कोई जब पूछता है कि तू क्या है आपने अभी बात करी है और काफी सारी मुझे उपमाएं दी कुछ वो दिया कि एक्टर राइटर डायरेक्टर मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली मैं इनमें से क्या हूँ और कुछ चीज़ें शौक से हूँ जो होना चाहता था कुछ चीज़ें होनी पड़ गई इसलिए क्योंकि कोई रास्ता नहीं था मेरे पास मैं एडिटर बन गया इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई एडिटर नहीं था तो मैं एडिट करने बैठ गया एक्टर बन गया क्योंकि अक्सर नहीं मिल पाए कभी कभी एक्टर लोगों ने मना कर दिया नहीं करूँगा आपकी फिल्म तो मुझे करनी पड़ गई राइटर और डायरेक्टर अपनी चॉइस से ये है मेरे बारे में अगर बात करना चाहें छोटे शब्दों में तो सर कैसे इस तरफ आना हुआ इस तरफ रुख कैसे हुआ जीवन में अब ये वो कीड़ा है जिसने बचपन में काट लिया था अच्छा इसका जो फकोला या वो होता है वो थोड़ा सा बाद में निकला जी कटा बहुत पहले ही था जी। और इसका इल्ज़ाम कह लूँ या क्रेडिट कह लूँ ये अपने फादर को दूंगा जी उन्होंने लिखना शुरू किया था और काफ़ी लिखते थे उनकी बुक्स भी आई वो मेरे अंदर विरासत में कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे थे मुझे बेटा जागीर तो पता नहीं कितने दूंगा लेकिन ये एक चीज़ दे दे रहा हूँ इसको तुम ढो तो बस शुरुआत वहाँ से हुई एक शॉर्ट फिल्म बनाई छोटी सी बहुत छोटी सी वेब कैम के ऊपर उसको शूट किया मैंने क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं थी और मुझे कुछ आता नहीं था आई एम नॉट ट्रेंड ऑफिशियली नॉट ट्रेंड फॉर मेकिंग फिल्म्स और डायरेक्टिंग और एक्टिंग एनीथिंग जो कुछ है बस इंस्टेंट के ऊपर ही चलता हूँ तो एक छोटी सी वेब फिल्म बनाई मतलब उस समय बनाई एक यूट्यूब के लिए फिल्म और फिर वो सिलसिला धीमे धीमे बढ़ता गया लोगों का सहयोग मिलता गया लोग जुड़ते गए अच्छे कैमरामैन जुड़े साथ में अच्छे एक्टर्स जुड़ने शुरू हो गए अभी कहानी आगे जो शॉर्ट फिल्म्स आपने बनाई हैं उसमें सबसे बेहतर मास्टरपीस आपको क्या लगता है अपना मास्टरपीस तो अभी बनाना है मुझे अभी बना नहीं है मास्टरपीस में तो अभी टाइम लग सकता है थोड़ा सा कोशिश बरकरार है कोशिश एक होती यही है कि हर चीज़ अपनी तरफ से बेस्ट ही दें लेकिन फिर भी क्योंकि अभी भी मैं मान के चलता हूँ कि लर्निंग स्टेज पर ही हूँ सीख रहा हूँ हर फिल्म के बाद लगता है कि नहीं इसमें कुछ और भी कर लेते तो शायद और अच्छा बना सकते थे कुछ लोग बता देते हैं कि नहीं यहाँ पर ये करते तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता वो फील अभी प्रोसेस लंबा चल रहा है मास्टरपीस अभी तक नहीं आया है लेकिन कुछ फिल्में कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े दिल के करीब होती हैं एक बहुत पहले मैंने बनाई थी हैंडी कैम के ऊपर मंथन नाम से मेट्रो की लाइफ के ऊपर थी उसमें मैं भी कुछ परेशान सा था मेट्रो की लाइफ से छोटे शहर का अपने जीवन से निकल के आया था वो उससे निकल के आई थी वो बड़ी मेरे करीब थी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि हैंडी कैम पे शूट थी टेबल लैम्प की लाइट पे शूट थी एंड ऑल दैट वो मेरे दिल के करीब है और बंदिशें करके एक मेरी फिल्म है जो काफ़ी सराही गई कई जगह पर दिखाई गई वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि चूँकि मैं राइटर हूँ तो मुझे लिखने की आज़ादी चाहिए है वो उसी सब्जेक्ट के ऊपर थी और कब करके एक फिल्म है रेप के ऊपर बहुत छोटी सी फिल्म इंटरनेट की उसको मुझे देख के अभी भी मुझे खुद को शिवरिंग होती है जब उसको देखता हूँ थैंक यू सो मच सर कि आप स्टूडियो में अपना वक्त दिया हमें और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपका मास्टरपीस कुछ निकल के आएगा देखने के लिए एकदम बेताब है तो भैया ये थे सिटी के मल्टी टैलेंटेड आदमी प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ फिर से आऊंगा अगली बार सिटी के सितारे में ओनली ऑन रेडियो सरी 91.1 रग रग में लखनऊ सिटी एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 FM